मैंने मंगाया है सैडल बैग राइनोक्स की तरफ से, एंड मुझे सेल पे ये अराउंड 4400 समथिंग का पड़ा है, एंड नॉर्मली 5350 का पड़ता है, तो मुझे काफ़ी ठीक डिस्काउंट मिल गया बिग बिलियंस डे पे। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, रेड बॉक्स में एक्चुअली यार ये कभी आता नहीं है, एंड ये हेलमेट का डिब्बा है, बताएं क्या ही किया है। अंदर तो राइनोक्स का ही सामान निकला है होपफुली, क्योंकि यार ये रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, तो ठीक है चेक करता हूँ इसको। लग तो ठीक ही रहा है, लाइक रियल है और नया भी लग रहा है, डिब्बे में नहीं था बट थोड़ा उसके वजह से थोड़ा सा दब गया है ये, लाइक अगर ओरिजिनल डिब्बे में होता तो इतना ही दब तो जैसे ही बैक पीछे दिख रहा है ये, बट कोई नहीं ठीक है, यूजेबल है एंड सेल पे लिया है, फिर उसके बाद बहुत माथा पच्ची हो जाएगी रिटर्न एंड वो सब में, बाकी सारे स्ट्रैप भी ठीक लग रहे हैं अभी तो। यहाँ ये बॉटल रखने के लिए है, इसमें मैं इनको रख लिया करूँगा, एंड थोड़ा दबा हुआ है साइड से, और जिपर इसके ठीक हैं, थोड़ा सा ये फंसा हुआ है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है बट ठीक भी, एक्चुअली यार क्वालिटी भी ठीक ही है एज़ पर द प्राइस कह सकते हैं ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसके बीच में आ रही हैं, बट तो इसे कैसे रखना पड़ेगा बैग काढ़ी के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। ओके, इसके अंदर ये स्ट्रैप्स हैं, देन रेन कवर राइनोक्स की ब्रांडिंग के साथ, एंड यही वाटरप्रूफिंग के लिए है, जो कहते हैं कि वाटरप्रूफ है, तो बेसिकली ये रेन कवर लगाना पड़ेगा वाटरप्रूफ करने के लिए। देन इसके अंदर स्ट्रैप्स आते हैं जिस जो कि हैंडल करेंगे, लाइक ये तो स्ट्रैप है उसके ना कैरी करने के लिए, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड जो बाकी दो स्ट्रैप्स हैं वो बेसिकली बाइक पे माउंट करने के लिए, ताकि वो हिले ना उस चीज़ के लिए, तो इस ये बॉट रेन के ऊपर तो मैं यहाँ रख दिया करूँगा इसके अंदर हमेशा, इसके ऊपर बॉटल आराम से आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, राइट या लेफ्ट कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, जैसा कंफर्टेबल होगा वैसे फिट कर लेंगे गाड़ी के ऊपर। मैंने एक्चुअली इसके लिए सेटल बैग सेटल स्टे और साड़ी गार्ड बोल सकते हैं, दोनों इंक्लूडेड एक ही चीज़ होती है, तो मैंने साड़ी गार्ड मंगवाया क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी होता है, तो ये भी आई गेस अच्छा है, थोड़ा दबा हुआ है इसमें भी थोड़ा सा है ये मार्क जो कि उसमें अंदर के साइड था, इसमें ऊपर की साइड है, ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि वो उन्होंने राइनोक्स का बैक सेंड नहीं किया था, उसमें सेंड किया होता तो फुल्ली फिटेड आता, और अभी क्या उन्होंने जबरदस्ती घुसा के भेज दिया ऐसे ही, इस वजह से मार्क्स आए हैं, बाकी ठीक है, मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा क्योंकि रिटर्न करने के बाद 10 दिन बाद या 3-4 दिन बाद तो वो रिप्लेसमेंट आएगा, वो भी अच्छा नहीं हुआ तो सेम सिनेरियो यही हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक है, 5000 के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल ऑफिशियल सैडल्स जो भी पैनियर्स आते हैं वो 30,000 प्लस हो जाते हैं सुपर मीटियोर के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी है, लाइक इसमें अगर मैं शिफ्ट भी करता हूँ तो मेरे एक में कपड़े आ जाएंगे आराम से, क्योंकि ज़्यादा कपड़े मेरे पास है भी नहीं कुछ खास, तो एक तरफ कपड़े आ जाएंगे, एक तरफ मेरा लैपटॉप एंड वो सब आ जाएगा, बल्कि मेरे पास एक बैग और है पीएस का, तो वो बैकपैक हो जाएगा, देन दो में मेरा सामान आराम से आ जाएगा, मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि एज सच को ज़्यादा सामान मेरे पास है नहीं। तो वही इसमें भी सेम स्ट्रैप्स मिले हैं बैग पे फिट करने के लिए, एंड ये है तीसरा वाला, तीन स्ट्रैप्स हैं, देन एक वही कैरी करने के लिए सेम चीज़ जो उसमें दी है वो इसमें दी हुई है।
ठीक है, इसको भी सेट रखते हैं। तो वो है मेरा सैडल स्टे और यू कैन से साड़ी गार्ड। ये मैं इसलिए मंगाया क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है वहाँ भी एक साड़ी गार्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ काफ़ी घुल मिल जाएगा। अगर मैं सैडल स्टे लगवाऊंगा वो डिफरेंट होता है। एंड एक और चीज़ मंगाई है मैंने, ये देखो, ये बेसिकली सेफ्टी के लिए कभी भी सुनसान एरिया में जाता हूँ तो वहाँ पर ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि अभी मैं एक जगह गया था तो वो ठीक नहीं था, तो मुझे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा कुछ रखना चाहिए, तो इसको मैं आगे लेग गार्ड पे लगा दूंगा। बाकी ये सब को मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अभी रात हो रही है और इस वक्त सही नहीं रहेगा वहाँ जाना।